टेंथ स्टूडेंट्स, हम लोग अब अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है, इसका नाम है डेवलपमेंट। इसमें पढ़ते हैं क्या क्या है डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले बताया डिजायर्ड डेवलपमेंट, बट द परस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट एंड कंट्री टू कंट्री। यानी डेवलपमेंट का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग अलग अलग जगह अलग होता है। हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है, कंट्री के लिए अलग है, और रीजन के लिए अलग है, और स्टेट कंट्री के सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे हम लोग अपनी बात करें खुद की, तो हम लोग चाहते हैं डेवलपमेंट क्या होगा, हमें अच्छे रहन सहन मिल जाए, खाने पीने को ढंग से मिले, हम ये चाहते हैं, ये डेवलपमेंट है। कंट्री क्या चाहती है, कि हमारे देश जो है सबसे आगे रहे। स्टेट क्या चाहती है, हमारी स्टेट में हर कोई सबको सुविधाओं से युक्त हो। ये सबके लिए अलग अलग मीनिंग होता है। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अप्लाइज ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री सच एज फ्रीडम, प्रस्पेक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमिकल इक्वलिटी, सिक्योरिटी, लाइफ एंड डिग्निटी एंड द गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं, डेवलपमेंट में आती हैं। और आते हैं डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल। हर अलग अलग लोगों का अलग अलग है, क्या होता है, रीज़न होता है डेवलपमेंट का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इतना लिखा हुआ है, आपको पूरा एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि आपको एक बार समझा दो इसके बीच में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, हर पर्सन का लक्ष्य क्या होता है डेवलपमेंट का, अलग अलग होता है, वो अलग अलग तरीके से सोचता है कि इस तरह से डेवलपमेंट हो जाए। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया, कि ज़रूरी नहीं है कि एक का विकास अगर हो रहा है तो उससे दूसरे का भी विकास हो। इसका एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, कैसे, क्या कि जो इंडस्ट्रियल होती हैं वो क्या चाहती हैं, उन्हें बिजली मिले, और बिजली मिलने के लिए क्या चाहते हैं, वो डैम बने ज़्यादा से ज़्यादा। अब डैम बनने का मतलब क्या होगा, कि डैम बनेगा तो हमें क्या होगा, बिजली मिलेगी तो कारखाने चलेंगे, डेवलपमेंट होगा। बट इससे नुकसान क्या होता है, कि जब आप डैम बनाएंगे तो बहुत सारी खेती जो की ज़मीन है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, या पेड़ काटने पड़ेंगे, या जंगल काटना पड़ेगा, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे हर किसी को फ़ायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट आता है इनकम एंड अदर गोल। ये भी बहुत अलग वो है, कि लोगों की इनकम भी और उनका लक्ष्य क्या होता है, अलग होता है डेवलपमेंट के लिए। कहता होता है, जैसे इनकम, इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है, इनकम इज़ कंसिडर एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन क्या इनकम क्या है, किसी भी डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा क्या है, लोग क्या चाहते हैं कि ये तो हो ही, साथ में उनके अलग अलग गोल क्या होते हैं पीपल्स के, कि डेवलप, ये नहीं है पैसे तो उनके पास हो ही, ये तो डेवलपमेंट है। इसके अलावा वो चाहते हैं कि उनकी उनको इक्वल ट्रीट किया जाए, सभी लोगों को समान रूप से देखा जाए, उनको स्वतंत्रता हो, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उनको सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी में सुरक्षा हो, उनकी देश की सुरक्षा हो, उनकी खुद की सुरक्षा हो। ये सब चीज़ें उनकी किस में आती हैं, ये सब अदर्स गोल होते हैं। ठीक है, जो लोग चाहते हैं। और इसके अलावा जो होता है कि जो पीपल होते हैं वो लोग देखते हैं किसको, डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं, वो दो तरह के गोल्स को मिक्स कर देते हैं। एक तो डेवलपमेंट गोल इंक्लूड बोथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी इन दोनों को जब मिक्स हो जाए तब वो चाहते हैं कि हाँ हमारा डेवलपमेंट, ये पीपल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में आपको इतना बताया गया है कि हर कोई पर्सन अपने आप को डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से देखता है। अगर वो कोई नॉर्मल पर्सन है तो अच्छी लाइफ को वो देखेगा, कि हमारी अलग अलग जो है वो है तरीके। जैसे फार्म किसान होगा तो किसान क्या सोचेगा, कि हमारी ज़मीन अच्छी तो है, हमें खेती के लिए तो बीज अच्छा मिल जाए, या फिर खेती के लिए मशीनरी हमें जल्दी मिल जाए, फिर मशीनों से काम हो जाए तो खेती जल्दी कट जाए। ठीक है, या अच्छी उर्वरक मिल जाए, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा। जो हमारे वो होंगे ट्रेड वाले होंगे या व्यापारी होंगे, वो क्या चाहते होंगे कि उनका गोल अलग होगा, कि व्यापार जो है हमारा अच्छे से हो, सही टाइम पर टाइम चीज़ें आ जाएँ, हाईवे बने हो तो टाइम पर चीज़ें पहुँच जाएँ, हमारा टाइम पे माल पहुंच जाए तो जल्दी इनकम हो जाए। ये सब चीज़ें क्या होता है, ऐसी टीचर का भी अलग तरीका होता है सोचने का, कि वो किस तरह से डेवलपमेंट चाहते हैं। लेकिन जो अंडर द नेशनल डेवलपमेंट, यानी लेकिन देश की जो डेवलपमेंट की बात आती है, उसमें क्या होता है, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि बहुत बड़े एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को फ़ायदा हो, जो अमाउंट में ज़्यादा हो या ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को उनको फ़ायदा मिल सके, चाहे वो ट्रेड से संबंधित हो, चाहे किसान से हो, चाहे किसी से। ये होता है नेशनल गोल होता है किसका, डेवलपमेंट का। इसका नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज़ और स्टेट। इसमें क्या है हमारा, कि कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी जो स्टेट बाद में कंट्रीज़ की बात करते हैं, नेशनल इनकम से लगाते हैं अंदाज़ा कि कौन से देश कितना डेवलप है। इसमें पहला वाला जो पॉइंट बताया गया है, उसमें क्या बताया गया है कि जो नेशनल इनकम इज इनकम ऑफ द ऑल द रेजिडेंट इन द कंट्री ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो नोन एज द टोटल इनकम। कंट्री विल हायर टोटल इनकम आर कंसिडर टू बी डेवलप। यानी कि इसमें यह बताया गया है
कि कोई भी देश में ओवरऑल जो पूरे साल की उनकी इनकम होती है उससे पता चलता है कौन सा देश कितना डेवलप है, लेकिन ये चीज़ कभी भी एक्सेसिबल नहीं है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखोगे कि कुछ कंट्रियाँ हैं छोटी हैं, कम लोग हैं, तो उनकी जाहिर सी बात उनकी इनकम और ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या देखा, जैसे यूके, जापान, तो इनकी क्या होती है ओवरऑल जो इनकम होती है वो क्या थी, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि पर पर्सन के पास कितना है कितना नहीं है, ये पूरा ओवरऑल क्या हुआ, सारी जनसंख्या कम है, इनकम ज़्यादा है, तो पैसे लग रहा है कि डेवलप में। लेकिन दूसरा कंपैरिजन क्या आता है कि इसकी नापने का सही है कंपैरिजन थ्रू द पर कैपिटल इनकम, यानी पर पर्सन की कैपिटल, यानी उसके पूरे ओवरऑल जो पूंजी है वो कितनी है उसके हिसाब से लगाना। इसमें क्या आता है, पर कैपिटल इनकम इज़ बेटर कंपैरिजन इन इट्स अ कैलकुलेटेड बाय द डिवीजन इन टोटल इनकम ऑफ कंट्री जीडीपी बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। इसमें क्या देखते हैं कि टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, कि पूरे साल में पूरी देश की जो भी हमारी कैलकुलेशन वो हुई, हमारी इनकम हुई पूरी देश, कोई भी हमने व्यापार किया पूरे देश ने, दूसरे देश को सामान भेजा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, ओवरऑल जो इनकम बनी उसको क्या करेंगे, उसकी जनसंख्या से क्या कर देंगे, पॉपुलेशन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि एवरेज इनकम कितनी निकली। लेकिन इसमें भी क्या है, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसका भी क्या है बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, हाइड डिस्पार्टीज। इसमें क्या होता है, कुछ सेक्शन क्या होता है, बहुत से छोटा सेक्शन जो होता है वो छूट जाता है। क्यों? जैसे बड़े बड़े व्यापारी है उनकी साल की इनकम, उन्हें टैक्स ज़्यादा भरा तो उनकी इनकम ज़्यादा दिखाई, लेकिन कुछ लोग टैक्स वैक्स नहीं भरा या उनके पास वो इनकम नहीं थी तो उनने तो कुछ नहीं भरा, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन से हमें डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, ज़्यादा कम जो मिड वाले थे, ज़्यादा वाले थे, इनसे मिलके क्या हुई एक एवरेज निकाला है, लेकिन जो बिल्कुल उसके थे जिनकी बिल्कुल इनकम नहीं वो भी इसके उसमें कैलकुलेशन में आ गए, तो क्या हुआ, इससे हमारी सही जो कैलकुलेशन थी वो नहीं निकल पाती है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटल इनकम, जो वर्ल्ड जो है हमारा जो पूरा वर्ल्ड बैंक है उसकी एक रिपोर्ट आई है पर पर्सन के हिसाब से, तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें हम इतना ही समझते हैं, जैसे कंट्री विथ पीसीआई का मतलब है पर कैपिटल इनकम, पर पर्सन की कैपिटल इनकम, तो अगर जो भी कंट्री अगर इनके डॉलर में $12,600 जो है अगर इसके आता है ओवरऑल उनका टोटल इनकम आती है तो वो क्या होती है, रिच कंट्री में आती हैं, और जिनकी इनकम जो होती है ओवरऑल साल भर की इनकम जो होती है कंट्री की वो अगर $1,035 में अगर आती है से या कम आती है तो वो किस में होती है, लो इनकम कंट्री में आती है। लेकिन अगर 2012 में जब इंडिया के बारे में लिखा गया तो बताया गया इंडिया की टोटल इनकम थी एनुअल इनकम यूएस डॉलर में क्या थी, 15,030, इसमें ये करोड़ में होगी अरब में होगी, इसमें ये लिखा हुआ है नहीं पूरी तरह से, तो ये थी। इससे मतलब क्या हुआ, हमारी जो कंट्री है वो किस में आएगी, लो मिडिल इनकम कंट्री में आएगी। ठीक है, इसके अलावा अभी तक आप लोगों को आज इतना ही करना है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और डिटेल में बताएंगे, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।